आप देख रहे हैं सादना न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दीप्ति। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान चांद पर लैंड करेगा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद भारत दुनिया का चांद पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए पूरे देश में धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना का दौर जारी है। इंदौर शहर के खजराना गणेश मंदिर में भी चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए पूजा अर्चना की गई। खजराना गणेश मंदिर के प्रमुख पुजारी सतपाल महाराज ने बताया कि चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए आज सुबह से ही खजराना गणेश मंदिर में पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर हवन किया गया, ताकि भारत नए कीर्तिमान रचे। चंद्रयान के लैंडिंग का बस कुछ समय शेष बचा है, या आखिर समय इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास है। चंद्रयान चांद पर लैंड करेगा और चांद पर मौजूद तत्व की जांच करेगा, चांद के रहस्य की जांच करेगा, चांद पर जीवन की जांच करेगा, बर्फ के रूप में मौजूद पानी की जांच करेगा और चांद की सतह और शीतलता की जांच करेगा। पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर हैं, भारत नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। चंद्रयान ने चांद से जो तस्वीर भेजी है उसमें माउंट एवरेस्ट से भी बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी कारणवश गड्ढों की वजह से आज सफल लैंडिंग नहीं हो पाती है तो 27 अगस्त को विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा। बहरहाल पूरे देश में पूजा अर्चना का दौर जारी है और देश दुनिया की नजरें चंद्रयान पर है। चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश और दुनिया की नजरें भारत की तरफ हैं। अगर देखा जाए तो पूरे धर्म स्थलों में पूजा अर्चना का दौर जारी है कि हमारा जो चंद्रयान है चांद पर सफल लैंडिंग कर ले, जिसको लेकर इंदौर शहर के खजराना गणेश मंदिर में नेताओं ने भी यहां आकर पूजा अर्चना की और चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर कामना की। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है MIC सदस्य जीतू यादव जी, उनसे बात करते हैं कि आज वहाँ पर ये पूजा अर्चना करने आए, और हमेशा वैसे ये मंदिर में आते हैं लेकिन आज क्या शेष रहा और भगवान गणेश से क्या याचना की? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बड़े ही सौभाग्य का दिन है आज के, हम पूरे भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं उनने एक सफल परीक्षण चंद्रयान 2 का किया है। खजराना गणेश मंदिर भगवान गजानंद की कृपा से वह परीक्षण भी सफल होने जा रहा है। मैं सभी वैज्ञानिकों को बाबा की ओर से भी शुभकामनाएं देता हूं कि बाबा उन पर कृपा मनाए रखे जिनने भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी भारतीयों और जिन वैज्ञानिकों ने विशेषकर इसमें योगदान दिया है, अपना दिन रात एक कर दिए, उन सबको, सब भारतीयों की ओर से, खास करके इंदौर वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो परीक्षण आज हम भारतीयों के लिए उन वैज्ञानिकों ने करा, वाकई उनकी मेहनत को बाबा का आशीर्वाद मिले और उनके परिवार में भी सुख समृद्धि और शांति का वास बने रहे। आज लाइव दिखाने के लिए जगह जगह आज टेलीविजन लगाए जा रहे हैं, सब किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम की तरफ से लोगों को लाइव लैंडिंग दिखाने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? देखिए, राजवाड़ा पर लाइव प्रसारण 5 बजे से आदरणीय हमारे, जिनको हम नवाचारों के महापौर बोलते हैं, पुष्पमित्र भार्गव जी द्वारा दिखाया जा रहा है। हमारे नंदनगर चौराहे पर भी बड़ी LED के माध्यम से आदरणीय रमेश मेंदोला जी, विधायक जी के माध्यम से भी चंद्रयान यू की सफलता का लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से सभी इंदौर वासियों से निवेदन करता हूं कि आए और हम सब उनका हौसला बढ़ाएं जिनने इस प्रयोग को कराया और हम भारतीयों का पूरे विश्व में मान और सम्मान बढ़ाया। देश दुनिया में हर धर्म स्थल पर मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर जारी है चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर, और उसके लाइव जो देखने को लेकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, LED लगवाई जा रही हैं। इंदौर शहर अपने आप में एक ऐसा शहर है जहां हर उत्सव को, हर जो जो शोध होते हैं देश दुनिया में, उसको एक सिरोधार से स्वीकारता है, और ये जो भारत के लिए गर्व की बात है, इसी को लेकर आज इंदौर शहर MIC के नगर निगम द्वारा या नेताओं द्वारा जगह जगह चौराहों पर भी LED लगवाकर लाइव कवरेज, लाइव दिखाया जाएगा, ताकि लोग इस दुर्लभ और साक्षात, और ऐसे जो ये जो पल है दुर्लभ, इसके साक्षात करें और इसको लाइव देकर अपने आप को देखें कि कैसे
भारत चांद पर फतह करता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश में पूजा अर्चना का माहौल शुरू है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर शहर के खजराना मंदिर पर। आज यहां पर भी सुबह से ही पूजा अर्चना का दौर शुरू था। यहां एक हवन किए गए और पंडितों द्वारा यहां पूजा अर्चना की गई, मंत्र उच्चारण किए गए और आज एक पूरे दुनिया की जो नजरें हैं भारत की तरफ हैं और भारत की तरफ देख रही हैं, क्योंकि जो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग है उसको लेकर हर मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर चालू है। क्योंकि इस वक्त हम देखेंगे खजराना गणेश मंदिर है, यहाँ पर जो भक्त भी आ रहे हैं, आज पूरे देश दुनिया की जो नजरें हैं एक पूरे एक भारत की तरफ देख रही हैं, क्योंकि जो चंद्रयान 3 पूरे देश दुनिया में आज हम भारत एक नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। इस वक्त हमारे बीच है मौजूद है खजराना जो पंडित है, यहाँ के मुख्य पुजारी है, उनसे बात करते हैं कि खजराना में क्या आज किया गया है, क्या विशेष। पंडित जी, आज चूंकि आज बहुत गर्व का दिन है हमारे भारत की तरफ, पूरी दुनिया की नजरें हैं, चंद्रयान 3 आज चांद पर उतरने वाला है, उसको लेकर आज खजराना गणेश मंदिर में क्या पूजा अर्चना? आज सुबह 6 बजे भगवान जी का स्नान किया, महाभिषेक कर दिया और भगवान जी का सजाया गया है अच्छा तरह से। और हमने ये मनोकामना की कि जो चंद्रयान 3 इसका सफलता मिले, इसलिए हम भगवान जी की पूजा करी और 21 पंडित द्वारा यहाँ पे हवन भी किया गया है। हवन करके भगवान से प्रार्थना की कि जो चंद्रयान है अपना हिंदुस्तान का नाम चंद्रमा पे भी सर्वप्रथम रहे, ऐसी हमने प्रार्थना की है और वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। जब भी वैसे इंदौर खजराना जो गणेश मंदिर है, यहाँ के प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, जब भी कोई शुभ पूरे देश में जब भी कोई ऐसा कीर्तिमान या शुभता की बात होती है तो यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। पंडित जी, इसके लिए भी शाम को भी कोई आयोजन है क्या, क्योंकि आज 5 बजे के बाद ही दुनिया की नजरें होंगी? आज सुबह से भगवान के उनके नाम से चंद्रयान के लिए हम पाठ कर रहे हैं, आज मतलब 6 बजे तक पाठ चलते रहेंगे। अखंड पाठ चालू किए हमने गणेश जी के, वो पाठ चालू रखेंगे और अपना पूरा काम मिशन पूरा होने के बाद फिर हम बंद करेंगे। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर अखंड पाठ चालू है और हमारे जो देश दुनिया की जो पूरे देश की जो देश भर के लोगों की या दुनिया भर के जो लोगों की नजरें हैं वो चंद्रयान 3 पर हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 आज शाम 6:04 पर चांद पर लैंड करेगा और वहां पर वहां का जो भूतल है, वहां की जमीन है, जो वहां मिट्टी है उसकी जांच करेगा। और एक और सबसे खुशखबरी की बात हम आपको बता दें कि आज जैसे ही चंद्रयान वहां की धुरी पर पहुंचा तो पहले से मौजूद ऑर्बिटर ने ये कहकर स्वागत किया कि हेलो ब्रदर, यह शुभ संकेत है कि वहां पर जो पहले से मौजूद ऑर्बिटर हमारे यान को चंद्रयान 3 को हेलो ब्रदर कहकर वेलकम किया कि अपने आप संकेत है, अपने आप में एक कीर्तिमान रचने वाला आदिन है, भारत के लिए खुश का दिन है, नए कीर्तिमान का दिन है कि आज चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। अभी तक हम अपनी परियों की कहानियों में ही चांद की खूबसूरती और चांद के रहस्यों की बात अभी तक हम सुनते आए हैं, लेकिन आज चांद के रहस्यों से उठेगा पर्दा। शाम 6:04 पर हमारा चांद यार, हमारा विक्रम जो है लैंड करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जिसको लेकर देश दुनिया की नजरें हैं और हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे कि देश दुनिया में चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर क्या दुनिया में पूजा अर्चना कहाँ की जा रही है। मेरे सहयोगी रमन रायकवार के साथ शीतल रॉय, इंदौर। चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर पूरे देश और दुनिया की नजरें भारत की तरफ हैं। अगर देखा जाए तो पूरे धर्म स्थलों में पूजा अर्चना का दौर जारी।